क्या हो सकता है? ये फिर फोन का कुछ है भाई, इसके अंदर रिकॉर्डिंग बा। हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइज, अभी अभी जस्ट उठाऊँ मैं, उठते ही इतना अच्छा लग रहा है ना, बिकॉज कल मैं संदीप महेश्वरी सर से मिल के आया हूँ ना, तो मुझे बिलीव, पहले तो मुझे लगा कि सपना देख रहा हूँ मैं, उठते मैंने फोटो देखी कि हाँ रियल है। तो चलो फिलहाल उठते हैं और आज उनका गिफ्ट अनबॉक्स करेंगे। उन्होंने एक गिफ्ट दिया था पीयूष को, उन्होंने बोला था कि वीडियो में अनबॉक्स करना पूरी फैमिली के साथ में, और स्पेशली पीयूष के लिए था। तो देखते हैं क्या गिफ्ट होगा वो, मैं तो एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। तो अभी सभी के सभी यहीं बैठे हैं, पता नहीं क्या मीटिंग कर रहे हैं। राजी प्रणाम, नमस्कार, नमस्कार बाबा जी, नमस्कार, 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 नमस्कार सबको। तो मीटिंग में आज ये फैसला हुआ है। क्या फैसला हुआ? चाची को इसके मायके छोड़ने वाले। चाची को मायके, चाची को इसके मायके छोड़ने वाले हो? मम्मी को उसके मायके। तो चाची कह रही है मायके जाने के, चाची को मायके छोड़ के आते हैं। वही आज अनबॉक्सिंग करनी है। अरे पहले अनबॉक्सिंग करेंगे। भाई ये तो अभी तक सो रहा है। कुनाली, मम्मी के साथ जाना है? मम्मी जा रही है मायके, ठीक है तू? ठीक है, दोनों भाई साथ में ब्रश कर रहे हैं, वो भी एक ही जगह पे। लड़ाई मत करना भाई, एक दूसरे के हाथ में मत थूक देना। तभी गाइस नहा के रेडी हो गए हैं, फिलहाल ब्रेकफास्ट करते हैं। क्या हो सकता है वैसे इसमें? मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ शूज जैसा है कुछ, इसमें कुछ मोटिवेशनल चीज भी हो सकती है। अरे हाँ, कुछ मोटिवेशनल चीज हो सकती है इसमें। उनने क्या बोला था, ये प्यूदा के लिए या मेरे लिए? मेरे लिए। तो फाइनली गाइस टाइम आ चुका है अनबॉक्स करने का संदीप महेश्वरी सर के गिफ्ट को। तो हम तो बहुत एक्साइटेड है, हम तो सोच भी नहीं सकते इसमें होगा क्या। उन्होंने कहा था कि पीयूष के लिए है, पीयूष अनबॉक्स करेगा। तो सभी के सभी आ चुके हैं, साहिल, पीयूष, मम्मी, पापा, चाचा, चाची और कुनाली भी है यहाँ पे। भाई इसके अंदर एक और डब्बा फिर होगा। लेट्स अनबॉक्स सेकंड डब्बा। ओ भाई क्या हो सकता है, ये फिर फोन का कुछ है भाई, इसके अंदर एक और डिब्बा। प्रैंक तो नहीं हो रहा कहीं भाई? ऐसा ना करो यार। आईपैड, आईपैड, नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता गाइस, ऐसा नहीं हो सकता। एक आईपैड तो निकला इसके अंदर, वो आईपैड का डब्बा है। आईपैड का खाली डब्बा है, वही तो मैं कह रहा हूँ, आईपैड हो ही नहीं सकता इसके अंदर गाइस, हो ही नहीं सकता। टेप लगी क्या? नया है भाई, भाई पूरा नया डिब्बा है भाई, ऐसे मजे मत लो। हाँ इसके अंदर आईपैड नहीं निकला तो बेइज्जती हो जाएगी, बट ओ भाई नहीं, पीयूष की खुशी कहाँ पहुंची भाई, सब मजा आ गया गाइस। अभी तक ऐसे गंदे आईपैड में जी रहा था मैं भाई। चार्जर भी मिला भाई, देखो ओ भाई, कलर भी मस्त है भाई। क्या भाई ऐसी नजरें मत डालो भाई इसमें। थैंक यू सर, इतना अच्छा गिफ्ट देने के लिए, मतलब ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। मेरे को भी चाहिए एक आईपैड। ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था यार, है ना, बिल्कुल ब्रांड न्यू आईपैड। अब वो मेरा, अभी आपका, अभी भाई मेरा फेवरेट सही है, प्रो प्रो नहीं दिया इसके यहाँ से, वो सीधा होता है, मेरा फेवरेट दिया है ऐसे कर्व टाइप का। अब वो मेरा और ये आपका वाला मेरे को दे दो आईपैड। कौन सा वाला? वो प्यूदा वाला, पुराना वाला। बेटा सुनो, अभी ना आप बच्चे हो, पढ़ाई करो, बड़े बनो, फिर आपके इतना बड़ा होएगा तब मिलेगा, ठीक है? उस आईपैड से क्या करेगा, फेंक देगा। तो गाइस मैं भी संदीप महेश्वरी को थैंक यू सो मच कहना चाहूंगा इतने बढ़िया गिफ्ट के लिए, वो भी पीयूष के लिए। आईपैड तो आ गया, लेकिन इसमें एप्पल आईडी मैं भी नहीं डालूंगा, गेम तो नहीं खेलने दूंगा मैं इसको, इसमें सच्ची बिलीव नहीं हो रहा पीयूष को, बिलीव ही नहीं हो रहा। कुनाली आपको जलन हो रही है ना, आपको पीयूष से जलन हो रही है ना, पीयूष के पास दो आईपैड हो गया, जलन तो मेरा होगा। आप जब बड़े हो जाओगे ना तब आपको मिलेगा, ठीक है? नहीं अभी चाहिए, मेरे को मिला होता ना आईपैड आपको बता देता हूँ। क्या आपको आईपैड देंगे वो? पहले पढ़ाई लिखाई करो, ये वाइस बनो, देश का नाम रोशन करो, फिर मिलेगा, जाओ आपका नाम रोशन करो पहले। गाइस ये आईपैड तो है, लेकिन ये ना हमारे लिए बहुत ज्यादा अमूल्य है, जो कि कभी भी खरीदी नहीं जा सकती, मतलब खरीदी जा सकती है, मतलब क्योंकि ये हमको संदीप महेश्वरी सर, हमारी इंस्पिरेशन, उन्होंने दिया है। तो इसकी जो वैल्यू है ना, चाहे वो और कुछ भी गिफ्ट होता, तो उसकी जो वैल्यू है ना वो बहुत 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 नेक्स्ट लेवल की है। स्क्रीन गार्ड कवर लगाना पड़ेगा इसमें, और उन्होंने एक नोट भी लिख के दिया था, वो आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ, इसमें लिखा हुआ है हमारे लिए, और उनका सिग्नेचर भी है। तो हाँ मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। चलो भाई कौन कौन चल रहा है, चलो चलो कौन कौन चल रहा है, ये क्या कर रहा है भाई साहब? लॉटरी है, लॉटरी, लॉटरी, अच्छा और निकला। अरे यार दो, देखने तो देखो, नहीं नहीं दो,
ओ भाई गिनता लेकिन गिन। अरे यार दोनों यार भाई पैसे मिले और यहां बहुत दिनों के बाद डाल रहे हैं ये जींस, इसमें तो पैसे मिले। अरे भाई बढ़िया बड़े भी पुरानी जींस दे दिया करो मेरे को, मुझे पहनने के 120 130 140 रुपए। बाय ओलू। आम ले आना और बच्चों के लिए सेब साहब ले आना। सेब तो मिल गया, सेब तो ले आए। कब सेब? अभी अनबॉक्सिंग नहीं करी सेब की? वो तो एप्पल एप्पल। अरे ये रहा सेब। तभी चाची के मायके के लिए कुछ फ्रूट्स ले लेते हैं। चलो आप बैठे रहो, क्या लेके आऊं बताओ? 1 किलो आम, 1 दर्जन केले ले। बस 1 किलो आम दे दो। हाँ 1 दर्जन केले दे दो। नहीं खाना नहीं है। अरे खाना नहीं, आप दे दो। सही है ना ये आम? हाँ 1 किलो दे दो भाई। नीचे तो कीचड़। लो भाई आईपैड मिल गया तो इसमें लगे नहीं रहेगा, पहले बता रहा हूँ। ज्यादा लगेगा तो फिर मैं ले लूंगा। तो चाची को छोड़ दिया, अब दो काम बाकी हैं। एक मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, पासपोर्ट वाले, कल मुझे जाना है अल्मोड़ा, उसकी अपॉइंटमेंट है मेरी। एक इसमें गार्ड लगाना है, बस दो काम है। तो अभी अपने डॉक्यूमेंट्स मिल चुके हैं सारे, जो कि कल लेके जाने हैं मुझे। तो ये देखो, इसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, न्यूज़पेपर, अपॉइंटमेंट लेटर, हाई स्कूल सर्टिफिकेट, सब कुछ चाहिए पासपोर्ट के लिए। तो ये इसमें सब कुछ है। सबसे मेन है न्यूज़पेपर। ये देखो, ये न्यूज़पेपर है ना, न्यूज़पेपर में मेरे आर्टिकल डाल रखे हैं। तो आर्टिकल में लिखा हुआ है कि सौरभ जोशी मैं ही हूँ, मेरे बारे में लिखा हुआ है, और वो चीज़ दिखानी है तभी मेरा पासपोर्ट नया बनेगा। तो 2-3 न्यूज़पेपर है इसमें, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो कल जाऊंगा मैं अल्मोड़ा। गाइस पार्किंग नहीं मिल रही थी, थार का फायदा दिखाता हूँ कहाँ चढ़ा दी हमने। चलो देखो हम कहाँ खड़े, पूरी टेढ़ी खड़ी है ऐसे भाई। ये देखो भाई कहाँ डाल दी, इस पे गार्ड लगा दो। हाय पीयूष। हेलो। हाय। क्या बात है, बिलीव नहीं हो रहा मुझे। बिलीव नहीं, इतना बड़ा ब्लॉग है मेरे सामने खड़ा है। तो गाइस सारे काम हो चुके हैं, अब चलते हैं घर मस्त। भाई पीयूष की खुशी आज बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है, जब से आईपैड देखा है ना इसने। अब जब भी तो इसको चलाएगा ना, तेरे को मोटिवेशन आएगा कि उन्होंने दिया है, उनकी बातें याद आएंगी सब कुछ। जब भी तो इसको चलाएगा, और तू रोज ही चलाएगा इसको, तो तू रोज मोटिवेटेड रहेगा इसको चलाते चलाते। वाह उधर देखते हैं, प्यारे प्यारे फूल दिख जाते हैं। अभी अरे किसने तोड़ दिया, इसको निकाल ही देते। अब तो पता नहीं किसने तोड़ दिया। अरे ओलू वाली। तो फिलहाल लंच करते हैं, आज बना फेवरेट कड़ी चावल। गैस कुनाली के बिना देखो कितनी शांति लग रही है, बिल्कुल सुना सुना लग रहा है। कुनाली और पीयूष लड़ते रहते थे ना, बारिश के बाद देख ऐसा लग रहा है पत्तों में जान आ गई है, एकदम हरे भरे हो गए सब कुछ। देखना अभी देखो कितना सुंदर लग रहा है यार, ये पूरा हरा भरा। अरे ओरियो भी आ गया, चाचा जी ओरियो घुमा रहे हैं, चाचा जी स्टंप ले घूम रहे हैं, कोई और डॉग आएगा तो जल्दी आ जा ऊपर, आ जा आ जा। अब देखना सीधा भाग के ऊपर आएगा, अब देखना आ गया। इसकी तो फेवरेट जगह है, यहाँ से देखता है तो यहाँ सब दिखता है, सारा व्यू दिखता है यहाँ से। तो गाइस साहिल बता नहीं कहाँ जा रहा है, इसने बाइक निकाल ली। अब ये देखो क्या लग रही है यार बाइक। मेरा भी बहुत मन करता है बाइक चलाने का, लेकिन चला नहीं सकता मैं, मम्मी ने मना कर रखा है। बिकॉज मैं बाहर जाता हूँ ना सोसाइटी से, गाड़ी वाले बाइक वाले बहुत एकदम से कट मारते हैं, तो काफ़ी डेंजरस हो जाता है। मेरे को गाड़ी में ही डेंजरस हो जाता है, बाइक में तो मैं गिर ही जाऊँगा, लेकिन चलाऊँ कभी कभी चलाऊँगा। कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? बुलाती है मगर जाने का नहीं। मम्मी ने मेरे को आदेश दिया चाय बनाने का। चलो चाय, चलो चाय। हाँ पी लूंगा। इंडिया कुछ 10-15 मिनट में रेडी हो जाएगी। तो गाइस जिस बात का डर था वही हुआ, मैंने सबके लिए यहाँ पर चाय निकाल दी, बट सौरदा के लिए रह गई, तो सब में से थोड़ी थोड़ी इसमें खा ले करता हूँ, फिर होंगी सौरदा के लिए थोड़ी सी इस वाले में से। चलो अब सबके लिए चाय होगी। चलो ये चाय रेडी है, लेके चलते हैं रूम में। गाइस चाय पी लो। कल है 4 जुलाई, मतलब कल से मेरे स्कूल ओपन हो रहे हैं, एंड थोड़ा व्लॉग में कम भी देखने को मिलूंगा। एंड हाँ एक मस्त चीज बताता हूँ कि मेरा सारा हॉलीडे होमवर्क पूरा हो चुका है, एंड ये रही वो सारी फाइल्स, 1 2 ये तीसरी स्क्रैप बुक, ये फोर्थ स्क्रैप बुक, मेरा मतलब पूरे 5 सब्जेक्ट का काम पूरा हो चुका है। कल से स्कूल जाना है, इसलिए स्कूल ड्रेस भी ढूंढनी पड़ेगी अब, एंड मेरा बैग भी पैक करना है मेरे को, बिकॉज बहुत सारी बुक्स निकाल रखी है। देखो ये रहा मेरा बैग, लेकिन काफी सारी बुक्स तो इसमें पहले से ही भरी हुई है। और टाइम से उठना भी पड़ेगा सुबह। हाँ, अरे ये तो मैं भूल ही गया भाई, इतने दिन से मैं 9-9 बजे उठ रहा था। अब कल से वही चीजें होती रहेंगी, रोज रेगुलर होती थी जो पहले, मतलब बड़े मम्मी जल्दी उठेगी मेरे लिए खाना बनाएगी, फिर बिल्कुल लाते मार मार के उठाएगी कि उठ भाई उठ, बिकॉज मेरे से तो उठा भी नहीं जाएगा, बिकॉज आज तक अभी मैं 9 बजे तक उठता था, 6 बजे उठना है। फिलहाल डिनर रेडी हो गया, डिनर करते हैं। और आज कितनी शांति से हो रही यार, बिना कुनाली के। चाची भी नहीं है, साहिल भी नहीं है, साहिल अभी तक नहीं आएगा। दाल रोटी बनी है, तभी गाइस खाना खा लिया है। अब फिलहाल एडिटिंग स्टार्ट करूंगा, इस व्लॉग करता हूँ एंड। आज के इस व्लॉग में आप देखा संदीप महेश्वरी सर के गिफ्ट को हमने अनबॉक्स किया, और काफ़ी अच्छा लगा। जैसे फ्लाइंग भी सर के गिफ्ट को हमने किया था, मतलब
वो मेरी व्लॉगिंग में इंस्पिरेशन है, ये मेरी लाइफ में इंस्पिरेशन है। तो दोनों इंस्पिरेशन से मैं मिल लिया, उन्होंने मुझे गिफ्ट भी दिया और सपोर्ट भी कर रहे हैं अच्छे से। तो हाँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है सब कुछ आप लोगों की वजह से है कि हाँ दोनों से मतलब मिल लिया मैं यार। इतना अच्छा लग रहा है ना कि लाइफ में मतलब जिससे हम इंस्पायर होते हैं उनसे तुम मिलो, उनसे तुम बात करो, इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए। वो तुमको अप्रिशिएट करें, इससे ज़्यादा और क्या ही चाहिए। तो इससे बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है आप लोगों के लिए भी कि मैंने ये पॉसिबल कर दिखाया तो आप भी कर सकते हो। जो काम आपको करना है आप करो, उसको दिल से करो जिस तरह से मैं करता हूँ, बिना किसी लालच के, बिना किसी चीज़ के। तो हाँ, फिलहाल इसको एंड करता हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आएगा लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। और कल मेरे को जाना है पासपोर्ट के लिए अल्मोड़ा, तो वहाँ मस्त मस्त पहाड़ों में घूमेंगे। तो हाँ, जल्दी सुबह सुबह निकलना पड़ेगा मुझे, तो वो देखना कल, मज़ा आएगा। बाय। तो गाइस, जो लोग कहते हैं ना कि सबसे बड़ी गलती वो होती है कि फर्स्ट टाइम अपने मम्मी पापा को चाय बना के दिखाओ, तो हर टाइम वो आपसे ही चाय बनवाते हैं। मतलब हर टाइम तो नहीं बनवाते बड़े में बड़ा मेरे से, मतलब बनवा ही देते फिर भी। अब इसमें चीनी डालो भाई, भाई बड़ा मेहनत का काम है भाई।